और बाबा मुझे कुछ वरदान तो दे दीजिए। बोले ठीक है ले लो। तो भोले बाबा ने वरदान दिया कि आज के बाद ध्यान से सुनो, शिवरात्रि आने वाली है, जो भोले बाबा कह रहे हैं ध्यान से सुनना, आपको कहीं आज तक सुनने को नहीं मिला होगा। भोले बाबा कहते हैं दक्ष प्रजापति, आज के बाद कोई भी मेरी पूजा करे, व्रत करे, उद्यापन करे, कुछ भी करे, एक लोटा जल क्यों न चढ़ा रहा हो प्रत्येक दिन, अगर पूजन करने के बाद उसने बम बम नहीं कहा तो मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, निरावलंबस्य ममावलंबम् विपाटिका से सविक कदम्बम् मदीय पापा चल पात संबम् प्रवर्तितावाचि सदैव बम्बम् प्रवर्तितावाचि सदैव बम्बम्। प्रत्येक दिन बम बम करके पूजा करना चाहिए। पूजा कर लो पहले, फिर बम बम करना चाहिए। इसमें दो प्रकार की विधि कही गई है। श्री शिव महापुराण में वर्णन है दो प्रकार की विधि है। पहली विधि है कपोल ध्वनि करना, जो रावण प्रत्येक दिन करता था, तब शिव जी प्रसन्न होते थे। कपोल ध्वनि, कपोल को पकड़कर ऐसे कपोल ध्वनि करना, हर 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 महादेव शंभो, इसको कहते हैं कपोल ध्वनि। और दूसरा अंगुली बजाकर, हाँ, जो स्वामी वीरभद्र को, भोले बाबा को और भगवती काली को प्रिय है, तो इधर कलकत्ता के लोग उसको करते हैं, ऐसे बजाते हैं। और हमारे तरफ कपोल ध्वनि करते हैं ऐसे, जीभ को लटका कर कपोल ध्वनि, कपोल को पकड़कर हर 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 महादेव, ऐसा करना प्रत्येक दिन। तब भोले बाबा कहते हैं अगर ऐसी कोई मेरी पूजा करेगा तो मैं उसको उससे प्रसन्न होऊंगा, उसकी पूजा को सफल करूंगा। करो कपोल ध्वनि करो, चलो ऐसे पकड़ जोर जोर। हाँ अच्छा, चलो वैसा भी नहीं कर सकते, चार लोग हंसते लग जाएंगे क्या पागलों जैसे कर रहा है। तो एक और उपाय बताता हूं। दूसरा उपाय है ताली बजाकर बम 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 कह देना, बोल बम, जोर से बोलो बम बम, जोर से बोलो हो बम बम, आगे बोलो हो पीछे बोलो हो बम बम, हो जोर से बोलो चल कांवरिया, हो जोर से बोलकर हो बोल बम, हो जल चढ़ाने हो फूल चढ़ाने हो दूध चढ़ाने हो महाकाल में, हो महाकाल में हो काशी जी में, हो काशी जी में हो बम बम, हो चल कांवरिया हो दौड़ कांवरिया हो बोल बम हो बोल बम, बोले के बोले शंकर भगवान की, हरा हरा महा।